अरचास के शिलपुरी कॉलोनी में मौजूद जन वितरण प्रणाली दुकानदार की मनमानी के खिलाफ नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। इधर हंगामे की सूचना पर प्रभारी डीएसओ अशोक कुमार झा मौके पर पहुंचे हैं, जहां उपभोक्ताओं ने डीलर पर राशन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि डीलर 4 किलो अनाज देता है। इसके साथ उन्होंने डीलर पर ग्राहकों के साथ बदसुलूकी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को डीलर ने बेबुनियाद बताया है। वहीं प्रभारी डीएसओ ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर दुकान को सस्पेंड किया जाएगा। इसके साथ ही कहा है कि ग्राहकों से बदसुलूकी के मामले को लेकर अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि फरवरी का जाए कि नहीं दिए हैं, तो दिलवा रहे हैं, देना शुरू कर दिए हैं। और एक दूसरा प्रॉब्लम था कि नाप के दिन मशीन से नहीं दे रहे थे, तो इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग जा रहे हैं इनके सस्पेंशन के लिए, लिखे इस पर कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, इसको सस्पेंड करेंगे। क्या सवाल लीजिए, फ्री वाला मार्च का फ्री नहीं मिला है तो कहाँ से देंगे? लोग बोल रहे हैं कि फ्री लेंगे, मार्च का भी फ्री लेंगे तब लेंगे, इसीलिए लोग झगड़ा कर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।